देखिए दिलीप, ये देखिए जो सुरक्षा बल के जवान है वो महिलाओं को एक एक करके उन्हें ले जा रही है। देखिए जाया जा रहा है तमाम उन महिलाओं को जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर, और नारेबाजी विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा था तमाम इन कार्यकर्ताओं की तरफ से, जिन्हें आप सुरक्षा बल यानी कि जो सुरक्षा बल महिला टीम है वो इन्हें जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जाने के लिए नारेबाजी, ये देखिए एक एक महिला को ले जाया जा रहा है सीआरपीएफ की टीमों के द्वारा और वहीं गाड़ी में बिठाने की इन तमाम लोगों को कोशिश की जा रही है जो कि प्रदर्शन कर रहे। देखिए उन लोगों को भी सुरक्षा बल की जो टीमें हैं वो लेकर जा रही हैं। देखिए इन लोगों को ले जाया जा रहा है, देखिए और जो महिलाएं हैं उन्हें भी ले जाया जा रहा है। देखिए तो सभी महिलाओं को देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो कि बार बार पर आगे आने की कोशिश कर रही हैं, और वहीं जो सुरक्षा कर्मी टीम है वो भी लगातार खड़ी हुई है, तो जैसे ही इनकी लोगों की तरफ से व्यवस्था अगर बिगाड़ने की कोशिश की गई तो वो इन लोगों को गिरफ्तार करके या फिर डिटेन करके अपने साथ ले जाएगी। देखिए जो सुरक्षा बल के जवान है वो महिलाओं को एक एक करके उन्हें ले जा रही है। देखिए एक एक करके महिलाओं को डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस, और जो सुरक्षा बल है वो लगातार जो कांग्रेस की महिलाएं, ये देखिए महिला कार्यकर्ताओं को जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो यहाँ से ले जा रहे हैं जिस तरीके से, ये देखिए तमाम महिलाओं को ले जाया जा रहा है तमाम उन महिलाओं को जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर, और नारेबाजी विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा था तमाम इन कार्यकर्ताओं की तरफ से, जिन्हें आप सुरक्षा बल यानी कि जो सुरक्षा बल महिला टीम है वो इन्हें अपने साथ ले जा रही है और पुलिस की वैन में बिठाया जा रहा है तमाम सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं महिलाओं को, ये देखिए महिलाओं को जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जाने के लिए नारेबाजी, ये देखिए एक एक महिला को ले जाया जा रहा है सीआरपीएफ की टीमों के द्वारा और वहीं गाड़ी में बिठाने की इन तमाम लोगों को कोशिश की जा रही है जो कि प्रदर्शन कर रहे। देखिए आगे तक जो महिला है उनको ले जाया गया है सीआरपीएफ की टीम की तरफ से। बसों के अंदर डाला जा रहा है, बस अपनी वैन के अंदर भर दिया गया है उन तमाम महिलाओं को, जिन महिलाओं को यहां से सीआरपीएफ की टीम यहां से लेकर गई है, ले जाया गया है तमाम उन महिलाओं को। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, अमित मोदी चोर है चोर है चोर है, अमित मोदी चोर है। ये बताइए मैडम आपके साथियों को ले जाया गया, अमित मोदी चोर है चोर है चोर, लोगों को डिटेन कर लिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सत्य पे चल रही है गांधी परिवार और पूरा देश चल रहा है उनके साथ, कभी ना डरेंगे, डरे थे ना डरेंगे, चाहे जितनी भी कुछ कर प्रदर्शन, उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्या है, एक प्रेस और पुलिस लोगों को ला के या जम के ये सब जो किया है ना वो गलत किया है। देखिए और जो देखिए सीआरपीएफ की टीमें हैं और भी जो महिला हैं उन्हें ले जाया गया है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की सीआरपीएफ की टुकड़ियां हैं जो हैं महिला सुरक्षा बल जो हैं उनकी तरफ से, एक एक महिला जो यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, जिस तरीके से हंगामा मचाया जा रहा है उन तमाम लोगों को वैन में डाला जा रहा है सुरक्षा कर्मी। देखिए यहाँ पर और महिलाएँ जो हैं जो यहाँ पर अभी कह रही थी कि हम सुरक्षा, देखिए उन लोगों को भी सुरक्षा बल की जो टीमें हैं वो लेकर जा रही हैं। देखिए इन लोगों को ले जाया जा रहा है, देखिए जन्मना उनको मत जान दो।
हरी सुरक्षा का खासा ध्यान रखते हुए देखिए महिलाओं को ले जाया जा रहा सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, और एक एक करके वैन में बिठाया जा रहा है जो कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी यानी कि महिला कर्मी जो थी यहाँ पर प्रदर्शन जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा था, एक एक को करके डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से और सुरक्षा बल की जो टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके के और भी जो महिलाएं हैं उन्हें भी ले जाया जा रहा है। देखिए तो सभी महिलाओं को, इन महिलाओं को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है सीआरपीएफ की टीम की तरफ से। आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है तमाम महिलाओं की तरफ से। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस के जो कार्यालय से बाहर आने की कोशिश जो कर रहे हैं उन्हीं कार्यकर्ताओं को सीआरपीएफ की जो टीम है वो गाड़ी में डाल रही है, वैन में डाल रही है, क्योंकि पहले ही पुलिस की तरफ से इन लोगों को दायरा दिया गया है कि अगर हंगामा करना है जो भी करना है आप अगर मुख्यालय किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि हंगामा करना है तो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर निकलकर ना किया जाए। और जैसे ही ये लोग बाहर आ रहे हैं वैसे ही इन लोगों को डिटेन किया जा रहा है। कोई आगे आने की कोशिश करता है उसे ही डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों की तरफ से, क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे होंगे ये दायरा पहले ही दिया गया है कि जो भी करना है उसके अंदर रह के किया जाए, बाहर आके ना किया जाए। और इसीलिए उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है जो भी लोग बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं इस लाइन से। प्रदर्शन किया जा रहा है, कुछ साथियों को डिटेन कर लिया गया है। क्या मांग है कांग्रेस के कार्य? हमारी ये मांग है कि आप निष्पक्ष जांच होने दो, हमने गुनाह नहीं किया तो हमें सजा भी नहीं मिलेगी, अगर वो गुनहगार है तो आप जेल भेजो ना। आप जेल भेजने से क्यों डरते हो? आप 20 लाख करोड़ रुपए देश के पूंजीपति लेके भाग गए, उनके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उनको वहां से उनको इंडिया में नहीं लाना चाहते। पूरा घोटाला, यह देश घोटालामय हो गया है। जिसने घोटाला किया है उनके खिलाफ कोई जाँच नहीं है, जिसने घोटाला नहीं किया है उनके खिलाफ सारी जाँच है। तो मैडम सोनिया गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बदनामी हम लोग नहीं सहेंगे और राहुल जी और सोनिया जी के सम्मान में अपनी जान तक हाजिर है। जांच को खत्म होने क्यों नहीं दिया जा रहा है? कांग्रेस अभी जांच शुरू हुई है और तभी से प्रदर्शन शुरू। देखिए जांच नहीं है, हमारे दो स्टेट के चुनाव है गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इस तरह के इन्होंने राजनीति फिट की है कि इधर ईडी का मुद्दा उठाया जाए उधर दो दो स्टेट जीते जाए। इनकी सोची साजिश है इनकी, लेकिन हम लोग सब समझ चुके हैं और देश की जनता भी समझ चुकी है। अगर देश का आजादी दिलाने वाला पेपर कोई मदद करना अपराध है तो हम बार बार अपराध करेंगे, हम अपराध करने में बार बार अपराध करेंगे अगर सच्चाई के बल पे आएंगे तो। हमने देश की आजादी दिलाने वाले अखबार की अगर मदद की है, लोन दे दिया तो कोई गुनाह नहीं किया है। शेर भी तो नाम किए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, ऐसा नहीं है, झूठा है। अगर है तो जेल भेजो ना, क्यों नहीं भेज रहे हो आप? भेजिए ले चलिए। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उन लोगों के ले जाया जा रहा है जिस तरीके से ये लोग लाइन बैरिकेटिंग को तोड़ने की आगे आई थी उन्हीं महिलाओं को उठा ले जाया गया है सीआरपीएफ की टीमों की तरफ से। देखिए बसों में भरा जा रहा है तमाम कार्यकर्ताओं को, देखिए जो महिला सुरक्षा बल है उनकी तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहां पे डिटेन किया जा रहा है। कितना बार तो बोले की कोशिश की तो उसके खिलाफ कांग्रेस के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस अपनी वैन में भर कर ले जा रही है जो कि लगातार नारेबाजी लगा रहे हैं जिन्हें पुलिस की तरफ से भर के ले जाया गया है। और वहीं तमाम और कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरी कार्यवाही को लेकर जिस तरीके से सोनिया गांधी को दूसरी बार ईडी ने पूछ। देखिए तमाम और कार्यकर्ता हैं उन्हें भी पुलिस ने अपनी वैन में भर लिया है और जिन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें ले जाया जा रहा है, उन्हें ले जाया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को
को एक एक करके यहाँ से हटाया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और देखिए भारी सुरक्षा यानी कि जो सुरक्षा है वो यहाँ पर तैनात है, काफ़ी भारी सुरक्षा में यहाँ पर सुरक्षा की तैनाती की गई है। और वही तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस का झंडा लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो कि अंदर से आ रहे हैं लगातार नारे। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो कि कांग्रेस के दफ्तर के बाहर आ रहे हैं, उन लोगों का प्रदर्शन यहां पर जारी है सोनिया गांधी की जांच के खिलाफ। देखिए भारी मात्रा में यहां पर जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं वो यहां पर मौजूद है, जो कि यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिखाई दे रहा होगा कि इस जांच के खिलाफ कांग्रेस के दफ्तर के से बाहर आने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगातार नारेबाजी लगा रहे हैं। उधर की साइड धारा 144 भी लगाई गई है पुलिस की तरफ से। और वहीं एक एक कर इन लोगों को प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी हैं उन्हें बाहर देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ महिला भारी मात्रा में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के मुख्यालय के सामने ये भारी जमावड़ा है, हंगामा किया जा रहा है कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से। देखिए यूथ कांग्रेस जो है उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, जिस तरीके से जमावड़ा लगा हुआ है सत्यमेव जयते से लेकर तमाम टी शर्टें यहाँ पर देखिए भगदड़ मच चुकी है। देखिए कांग्रेस के जो अभी यहाँ पे कार्यालय है वहाँ हम पहुँच चुके हैं और वहाँ भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो लोग हैं वो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं इस जीडी की जांच की कार्यवाही के दौरान। और वहीं हम इन तमाम लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये बताइए सर, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से क्या मांग है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की? प्रदर्शन कुछ नहीं, बात कि यहाँ जो लगातार जमावड़ा है जो है कांग्रेस के दफ्तर के बाहर वो आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है इस पूरी जांच के खिलाफ। तो वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुँच चुके हैं ईडी के दफ्तर, देखना अहम ये होगा कि ये कार्यवाही कितने घंटे तक चलती है, क्योंकि इससे पहले भी जब सोनिया गांधी को बुलाया गया है ईडी के दफ्तर तो तब भी उस समय पर भी 2 से 3 घंटे तक की पूछताछ हुई थी और उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया गया था। देखिए कांग्रेस के कार्यालय के अंदर भी तमाम भीड़ दिखाई दे रही है कार्यकर्ताओं की, जो कि इस ईडी की कार्रवाई को लेकर विरोध करते हुए बाहर नजर आ रहे हैं। और वहीं यहाँ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं, कुर्सियाँ जो हैं वो यहाँ खाली पड़ी हैं, जो यहाँ पर व्यवस्था की गई थी लोगों के बैठने के लिए कि जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर आएँ वो यहाँ पर पहुँचें। तो वहाँ देखिए कांग्रेस के जो दफ्तर है वहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा किया जा रहा है पूरी जांच को लेकर, जो कि नेशनल हेराल्ड का मामला है जिसमें पूछताछ की जा रही है अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से। Thank you.
तो देखिए ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके से उन लोगों को बैरिकेडिंग की गई है, वही तमाम लोग यहाँ पर, सर ये बताइए तमाम कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी की जांच के खिलाफ, क्या मांग है तमाम उन नेताओं की जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? माननीय सोनिया गांधी जी आज ईडी के सामने पेश होने गए, देश भर का कांग्रेस का कार्यकर्ता आज यहाँ पर अलग अलग अपने स्थानों पर उनके समर्थन में हिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विपक्षी आवाज को दबाना चाहती है, शांतिपूर्वक आंदोलन में भी जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज, उनको घसीट के थानों में ले जाया जा रहा है, ये लोकतंत्र की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ा रही है। संविधान का राज आज इस देश में नहीं रह गया। मामले की बात करें तो ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, ये 2012 का मामला है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने ये जांच बिठाई? देखिए ना, आपके सामने है पिछले 8 वर्षों में जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम, पिछले 8 वर्षों में लगातार लोकतंत्र को कुचलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर देखा जाए तो सर बेल मिली है सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए, मामला खत्म नहीं हुआ है, ईडी ने अगर इसे फिर से खोला है तो उसको लेकर विरोध? देखिए जब जब हमारे नेताओं को वहां बुलाया गया, हमारे नेता ना डरते हैं ना झुकते हैं, ईमानदारी के साथ राजनीति करते हैं, सुचिता की राजनीति करते हैं। कल भी वो सामने खड़े थे, आज भी वो सामने खड़े हैं, लेकिन उनके समर्थन में देश भर के कार्यकर्ता अपनी आवाज उठाने के लिए कहते हैं। अरे भाई हमारी ऑफिस को ऐसे घेराबंदी नाकाबंदी करते हैं जैसे ये हमारा जो है वो ऑफिस नहीं, या गुंडों का अड्डा है, ये गुंडों का अड्डा है क्या? क्या पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी का जो ये ऑफिस है? नहीं, आप लोगों के पास, आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं है, आप लोगों के पास आप लोग सिर्फ मोदी की फोटो खींचिए, आप लोग सिर्फ मोदी की फोटो खींचिए। आपने देखा राष्ट्रपति का क्या हाल किया अभी जो है? आपने देखा अभी राष्ट्रपति का क्या हाल किया? हाथ जोड़ के राष्ट्रपति खड़े हैं, मोदी जी फोटो खिंचवा रहे हैं ऐसे करके, ये होता है जो है? यहाँ पर मुद्दा आपसे पूछा, जो कार्यकर्ता है जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, जिस तरीके से ये जो बौखलाहट नजर आ रही है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की, जो नहीं जवाब दे रहे हैं मीडिया के जवाबों का, अगर उनसे कुछ पूछा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस को लेकर भी बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि पुलिस की बात कर रही है तमाम और लोगों से, ऐसे बात करेंगे इस पूरे प्रदर्शन, एक बार नारेबाजी की जा रही है इस पूरी बात, सर क्या मांग है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इस प्रदर्शन में, क्या मांग है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इस प्रदर्शन को लेकर जो सोनिया गांधी से जांच हो रही है? जो भी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संविधान को कुचलना चाहती है उसे नहीं कुचले, हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, हम भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं, यही हमारी मांग है। बीजेपी वाले कह रहे हैं मामला 2012 का है तो फिर मोदी जी का नाम क्यों लिया जा रहा है? मामला तो 2012 में खुला था जब यूपी की सरकार थी। भाजपा वाले क्या कह रहे हैं मैडम, अब इसको सुनना बंद करिए। अब ये देखिए हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियां क्या कह रही है। मामला 2012 का है, मामला 2012 का है जब यूपीए की सरकार, ये तो उन्हें देखना है ना, वो आप क्यों दोबारा से मिट्टी खोद रहे हैं, गड़े मुर्दे उठा रहे हैं, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा प्रदर्शन खराब कर रहे हैं। प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है ईडी की जांच के खिलाफ? अंग्रेजों की याद दिलाने वाली बात, ये मोदी साहब की सरकार हिटलर शाही को जाने। किस तरीके से क्या मांग है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इस प्रदर्शन को लेकर? हमारी मांग यही है जो ये लोकतंत्र को कुचल रही है मोदी सरकार, इसको तुरंत बंद करे, और नेताओं को कांग्रेस विपक्ष इन नेताओं को जो परेशान करा जा रहा है उसको तुरंत बंद करे। मैं भारत सरकार से सम्मान कहती हूँ, जितने बैंक फ्रॉड हुए हैं ईडी वहाँ भेजिए, अननेसेसरी हमारे नेता को परेशान करना बंद करिए, ये जितने आरोप है निराधार है, जनता को देश के मुद्दों से महंगाई से बेरोजगारी से दूर करने के लिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि जितने बैंक फ्रॉड हुए हैं, भारत की जनता को लूटा गया है, ईडी वहाँ भेजी जाए। जो शेयर्स हैं राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ वो सिर्फ एक आरोप है? बिल्कुल 100% मैं कहती हूँ बिल्कुल निराधार है, कुछ नहीं निकलेगा। चिदंबरम साहब को लेकर गए थे 9 महीने जेल में रखा, क्या हुआ? कुछ नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद।
कार्यकर्ताओं की तरफ से ईडी की जांच को जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद 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 गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद। देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से इनको एक गाइडलाइन दे रखी है कि आगे तो वही देखिए जिस तरीके से कार्यकर्ता आगे आने की कोशिश कर रहे हैं तो वही जो सुरक्षा बल की टीम है वो जनता को पीछे पीछे करने की कोशिश की जा रही है तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। ये जो लोग हैं बार बार पे बॉर्डर क्रॉस करके आगे आने की कोशिश कर रहे हैं कोशिश की जा रही है। देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो ईडी की जांच है देखिए जिस तरीके से महिलाएं जो है देखिए पुलिस जो सुरक्षा बलों की जवानों की जो टीम है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है तमाम इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। जाहिर सी बात है कि अगर ये कार्यकर्ता यहीं पर नहीं रुके तो इन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। पुलिस के जो सुरक्षा बल हैं वो इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले भी हमने आपको दिखाया है कि जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को ले जाया गया है